हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू डू अनदर प्रैक्टिकल सेशन ऑन एमएस एक्सेल। सो हियर द कंटेंट टू विच वी गो थ्रू, राइट। हम आज एक नया टॉपिक करेंगे एमएस एक्सेल में। बहुत सारे हैं जो हम अभी देख रहे हैं कि हम इन टॉपिक्स को आज के लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। सबसे पहले जो बेसिक के बच्चे वो हम करेंगे फिल हैंडल। मैंने आप लोगों को बताया भी था फिल हैंडल के बारे में, तो हम आज जो करेंगे वो द वेरी फर्स्ट थिंग जो होगी हमारी वो फिल हैंडल है। देन आफ्टर हम सेल्स को सेलेक्ट करना सीखेंगे कि जितने भी हमारे सेल्स हैं उसमें सेलेक्ट करने कैसे, कि हमें अगर एक सिंगल सेल को सेलेक्ट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। यानी कि सिंगल सेल का तो आप सबको पता है कि हम उस सेल पे क्लिक कर देंगे, वो सेल सिलेक्टेड है, एक्टिव सेल, ठीक है। अगर एक रेंज को, ठीक है, कंटिन्यूस नंबर है उनको आपको सेलेक्ट करना है, या फिर एडजेसेंट है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, स्क्वायर में है, इस तरीके से आपको एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। नॉन एडजेसेंट मीन्स एक ए वन सेल है आपका, फिर बी फाइव है, ई इलेवन है, इस तरीके से नॉन एडजेसेंट सेल्स को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। सिंगल रो, एक पूरी रो को आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको फिफ्थ रो को सिलेक्ट करना है, पूरी रो को एक्स एफ डी तक, रो फिफ्थ को आपको लास्ट तक सेलेक्ट करना है ए से लेके और एक्स एफ डी तक, तो वो कैसे होगी। कॉलम को कैसे सिलेक्ट करेंगे, या हमें सारे सेल्स को ए वन से फ्रॉम ए वन टू एक्स एफ डी लास्ट तक 1048576 तक आपको सेलेक्ट करना है, तो आप वो कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो दिस इज द कंटेंट दैट हाउ वी सिलेक्ट द सेल्स, राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्लेस द कंटेंट, कि हमने रिप्लेस द टेक्स्ट, कि हमने एमएस एक्सेल में एक फाइल बनाई, अब हमें उस फाइल में जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मॉडिफाई, अगर रिप्लेस द टेक्स्ट, हमने एमएस एक्सेल में कोई टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है, फाइल में जो कंटेंट लिखा है उस कंटेंट को रिप्लेस करके कोई और टेक्स्ट लिखना, मींस एडिटिंग वर्क जो है हमारा वो। अनडू एंड रीडू द टेक्स्ट सेम एमएस वर्ड में है, यहां पर हमें सेल के कंटेंट को अनडू या रीडू करना है। अनडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल टेल मी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे ही बताएंगे अनडू और रीडू द टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। डिलीट द सेल कंटेंट, आपने कोई भी सेल उसमें कोई कंटेंट लिखा हो उसको आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कैसे करेंगे। मूव द डेटा, आपने एक फाइल बनाई हुई है, स्प्रेडशीट तैयार की हुई है, उस स्प्रेडशीट के डेटा को आपको मूव कराना है, तो दो ऑप्शन है आपके पास, आप क्या तो कट करके मूव करा सकते हैं या आप कॉपी करा के मूव करा सकते हैं, दोनों हैं आपके पास। इंसर्ट एंड डिलीट रो, ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कर चुके हैं, एक बार हम थोड़ा सा दोबारा देख लेंगे कि हमें कोई भी रो इंसर्ट करानी है या डिलीट करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे। चेंज कॉलम विड्थ एंड रो हाइट, इसको हम देख कर चुके हैं एक बार, लेकिन इसके और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, हम वो भी चीजें देखेंगे। तो ये हमारा आज का कंटेंट है जिसको हम क्लियर करेंगे, राइट। तो अब हम देखते हैं इसको, तो हम इसमें देखेंगे बच्चे, हमारा जो पहला कंटेंट है हम उसी को देखते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट था हम फिल हैंडल को यूज करना देख रहे हैं, कि हम फिल हैंडल को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एमएस एक्सेल की फाइल ओपन की है, फाइल में मैंने कुछ कंटेंट्स लिखे हैं, जैसे फर्स्ट ए वन में मैंने लिखा है सीरियल नंबर, फिर उसके बाद मैंने लिखा है नेम ऑफ एम्प्लॉय, देन आफ्टर मैंने आई डी नंबर, देन आफ्टर ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, फ्रॉम मीन्स उसका एड्रेस है वो कहाँ से, एंड देन आफ्टर मैंने लिखा है मोबाइल नंबर। तो ये कुछ डेटा है जो मुझे इसमें फिल करने, मैं इसको थोड़ा सा जूम कंट्रोल की हेल्प से बड़ा कर लेती हूँ कि आप लोगों को इजीली विजिबल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले है फिल हैंडल। फिल हैंडल के लिए मैं आपको पहले एक चीज बताती हूँ बच्चे, जो यहाँ पे मुझे बॉर्डर लाइन दिख रही है बहुत ही लाइट उसमें दिख रही है, तो हम इसको डार्क कर सकते हैं, सारी जितने भी ये जो लाइनिंग्स है इनको, तो हम क्या करते हैं कंट्रोल ए, ठीक है, एक मिनट, मैंने किया कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल ए करने के बाद मैं यहां पे जाऊंगी, मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है आपका, मेरे पास एक ऑप्शन है यहां पर, देखिए बॉर्डर के अंदर ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है, ये बॉर्डर ऑप्शन कहाँ पे है, हेयर होम टैब में ही, मेरा यहाँ पे फॉन्ट्स में जो ये ऑप्शन है बच्चे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है कि आपको सिर्फ बॉटम बॉर्डर रखना है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट राइट, या एक बिल्कुल बॉर्डर नहीं रखना, नो बॉर्डर। अब मुझे इसको वापस जैसे पहले था वैसे ही करना, तो मैं नो बॉर्डर पे क्लिक करूंगी तो ये जैसे पहले था वैसे हो जाएगा, लेकिन मुझे सारे पे बॉर्डर चाहिए कि ये इजिली
आपको विजिबल हो तो मैं यहाँ पे बॉर्डर कर देती हूँ, ठीक है। अब हम फिल हैंडल को देखते हैं बच्चे। फिल हैंडल में क्या होता है, देखिए मैंने जो A1 में, अब A1 में मैंने क्लिक किया था, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ मैंने लिखा 1, यहाँ मैंने 2। फिल हैंडल का मतलब होता है कि कोई सीरीज है, कोई सीक्वेंस है जो प्री डिफाइंड है पहले से ही, हम उसको ऑटोमेटिकली अपने सेल्स में फिल कर सके। जैसे 1 2, अगर मैं इसकी प्री डिफाइंड सीक्वेंस पूछूं आप लोगों से तो क्या होगी, 1 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, कंटिन्यू आपकी काउंटिंग है। तो मैं क्या करूंगी, माउस के हेल्प से इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। इन दोनों सेल्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, शिफ्ट की हेल्प से भी आप कर सकते हो, शिफ्ट प्लस डाउनवर्ड्स एरो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, माउस के कर्सर की हेल्प से भी कर सकते हो, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके आप यहां से यहां तक सेलेक्ट करके रखो। आपने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये मेरे दोनों सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद जो ये माउस का कर्सर, देखिए मैं रोटेट कर रही हूं, ये अभी इस सिंबल में है, ठीक है। इस सिंबल को जैसे ही मैं इधर कॉर्नर पे लेके आती हूँ, बिल्कुल राइट बॉटम कॉर्नर पे, तो यहां पर ये प्लस के साइन में चेंज हो गया। ये देखिए पहले इस तरीके से था, अब ये एक छोटे प्लस के साइन में चेंज हो गया। जब ये इस प्लस के साइन में चेंज हो जाए, इस साइन को हम बोलते हैं फिल हैंडल, ठीक है। अब आप माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और इसको जहां तक आपको ड्रैग करना है आप वहां तक इसको ड्रैग करते ले जाइए। ये देखिए मैं यहां तक करती हूँ, सीरीज मेरी फिल हो चुकी है, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने अपनी सीरीज फिल कर ली है। अब देखिए ये फिल हैंडल का काम था बच्चे। मैं इसमें कॉलम यहां पे ना ऐड करती हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे मैं इनका देती हूँ वर्किंग डे, वर्किंग डे, मैंने यहाँ पे एक नया हेडिंग दे दिया, ये वर्किंग डे। अब मानिए जो भी नेम ऑफ एम्प्लॉइज मैं यहाँ पे फिल करूंगी उनके वर्किंग डे होंगे। एक बंदा मतलब वीक में 1 डे उनका वर्क है, या फिर मतलब वीक ऑफ में लिख देती हूँ, सॉरी, चलिए ये सबसे बेटर होगा, वीक ऑफ, ठीक है। कि इनका वीक ऑफ कब होगा, इनको छुट्टी कब मिलेगी, ठीक है। तो हर बंदे को वीक में एक छुट्टी मिलती है, बट सबको एक साथ नहीं मिलेगी, किसी को संडे को, किसी को मंडे को है। तो फर्स्ट बंदे को जो छुट्टी है वो संडे को मिलती है, सेकेंड बंदे को मंडे, ट्यूजडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। तो हम ये एक सीक्वेंस है, संडे मंडे ट्यूजडे आपके वीक्स के नेम है। तो अब आप क्या करेंगे, संडे को क्लिक कीजिए। देखिए हमने 1 2 क्यों लिखा, 1 और 2 की सीक्वेंस से पता चलता है कि 1 2 3 4 5 सीक्वेंस है, मीन्स कंटिन्यूस है। आपको गैप देना या नहीं देना उसका पता चल जाता है। यहाँ संडे, संडे के बाद की सीक्वेंस हमें पता है, मंडे ट्यूजडे सेम। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, कॉर्नर पे लेके आएंगे, फिल हैंडल का सिंबल बन जाएगा आपका इसका, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और आप इसको नीचे तक जहां तक भी आपको ड्रैग करना है आप इसको ड्रैग कर देंगे। ये देखिए आपकी सीक्वेंस आ गई है संडे मंडे की, संडे मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सेम ये सीक्वेंस चलती आ गई। तो मींस हमने यहाँ पे किसका यूज किया, यहाँ पे हमने यूज किया है फिल हैंडल का। कि फिल हैंडल से हम लोग क्या करते हैं, हम अपने फिल हैंडल से अपने सीक्वेंस को एमएस एक्सेल की जो सीक्वेंस है या सेल्स है हम उनको फिल करते हैं, जो भी एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस है, राइट। तो ये हमारी प्री डिफाइंड सीक्वेंस थी। अब हमने यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि हमने फिल हैंडल का यूज करना सीख लिया। अच्छा एक चीज देखिए, हमने फिल हैंडल को, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फिल हैंडल का मैंने यूज किया टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम आपका फिल हैंडल यूज हो रहा है। अब हम इसको बॉटम टू टॉप यूज करके देखते हैं, क्या ये सीक्वेंस आपकी सेम वर्क करती है। तो हमारे क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा कि जो फिल हैंडल है आपका वो वर्क करता है या नहीं करता। देखिए टॉप टू बॉटम में जाते तो फिल हैंडल का सिंबल ही नहीं बन रहा, ठीक है, फिल हैंडल का सिंबल ही नहीं बन रहा। अब हम और कुछ करते हैं, पर यहां पर हमारा काम हो गया। अब ये काम हमने कैसे किया वो मैं आपको बताती हूँ। हमने यहाँ पे 1 और 2 लिखा, मैं आपको दोबारा से अंडू करती हूँ। देखिए फिल हैंडल के अकॉर्डिंग अब मैंने 1 2 लिखा है, हमें ऊपर की तरफ ड्रैग करना है तो हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, लेकिन नहीं, हम सेम जाएंगे फिल हैंडल के यहाँ पे कॉर्नर पे। कॉर्नर पे जैसे ही हम लेके आते, देखिए हम ऊपर यहाँ पे हमारे फिल हैंडल का सिंबल नहीं बन रहा है, नहीं बना, इस साइड भी नहीं बन रहा है। हम यहाँ पर आते हैं,
ठीक है, हमारा फिल हैंडल का सिंबल आ गया है। इसको नीचे ड्रैग करने के बजाय हम इसको ऊपर ड्रैग करते हैं, और हमने इसको क्या किया है, ऊपर ड्रैग कर लिया, और ये हमारे सीक्वेंस आ गई। मीन्स ये टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हर जगह वर्क करता है, हर डायरेक्शन। तो ये क्या है हमारा फिल हैंडल। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फिल हैंडल बताने वाली थी और हमारा कंटेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे।